वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग पनीर पकौड़ा बनाएंगे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी लगता है, बिल्कुल ही कुरकुरी बनती है। ये देखिए किस तरह से पनीर पकौड़ा हमारा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी लगता है खाने में। इसको हरी मिर्ची के साथ खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और टोमेटो सॉस के साथ, हरी मिर्ची के साथ लगा के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए हम लोग पनीर पकौड़ा बनाए। देखिए फ्रेंड्स, पनीर पकौड़ा के लिए हमारा पनीर है, हाफ के जी हमने पनीर लिया है। इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। थोड़ा बड़ा साइज में ही रखेंगे तभी अच्छा बनेगा। पनीर की रेसिपी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। घर में पनीर बनाने का, मैं घर में पनीर बनाई हूँ। ये देखिए इस तरह से चौकोर पीस में हम कट कर लेंगे पनीर को। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी पनीर बनता है। ये देखिए सभी पनीर के पीस को हमने कट कर लिया है। इस तरह से पनीर का पीस कट कर लीजिएगा। चलिए अब बैटर तैयार कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए कटोरा लिए हैं, उसमें ये बेसन लिए हैं, कप से 1 कप बेसन है हमारा। इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना खाना पसंद करते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। थोड़ा सा जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, इससे थोड़ा स्पाइसी बनेगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसका हम लोग एक घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 स्पून के लगभग हम चावल का आटा डालेंगे, इससे बहुत ही कुरकुरा बनेगा और बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में पनीर पकौड़ा। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सभी को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे करके बैटर तैयार कर लेंगे हम लोग। अच्छे से पानी देके, थोड़ा थोड़ा करके पानी दीजिएगा, एक साथ पानी मत दीजिएगा, और अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। इस तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए इस तरह का बैटर तैयार होना चाहिए। चलिए अब हम लोग गैस पर पनीर पकौड़ा बनाते हैं। ये देखिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया था, इसमें ऑयल डाल दी हूँ। जो भी ऑयल में आप लोग खाना पसंद करते हैं वो खा सकते हैं। ये कुकिंग ऑयल है, मैं भी डाल दी हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर इतनी गर्म में है, इसमें एक एक पनीर का टुकड़ा इस तरह से डालेंगे, इसको इस तरह से कोटेड करते हुए स्पून की मदद से इसको ऑयल में डालेंगे इस तरह से। इसी तरह से एक एक पनीर लेते हुए ये देखिए अच्छे से कोटेड कर देंगे। इस तरह से ऑयल में डाल देंगे। इसी तरह से सभी पनीर को डाल देंगे। इस तरह से हल्के हल्के पलटी कर देंगे सारे को। एक बार में जितना आएगा उतना ही डालना है। सभी को दोनों तरफ से ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से सभी को हम लोग पलटी कर देंगे। बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही यम्मी बनता है खाने में, बहुत टेस्ट आता है, बहुत ही खास्ता बनता है। चावल का आटा डालने से बहुत ही कुरकुरा बन जाता है पनीर पकौड़ा। इस तरह से सभी को पलटी कर देंगे। ये देखिए सभी को पलटी कर दिया है। दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारा तला गया है अच्छे से, सभी को निकाल लेते हैं। इस तरह से
टिश्यू पेपर पे एक्स्ट्रा ऑयल को इस तरह से निकाल देंगे, टिश्यू पेपर पे सभी को निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से सभी को तलेंगे हम लोग। ये देखिए सारा निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है पनीर पकौड़ा, बहुत ही कुरकुरे और यम्मी स्वादिष्ट है खाने में भी। इसी तरह से बनाइए, घर में भी खाइए, एंजॉय कीजिए। जब खाने का मन करे तो तुरंत झटपट बनाइए, झटपट खाइए। ये देखिए पनीर पकौड़ा तैयार है, चलते एकदम। इसी तरह से सभी को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी हमने तल के निकाल लिया है पनीर पकौड़ा। चलिए अब हम लोग सर्विंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर पकौड़ा बनके तैयार हो चुका है। चलिए हम लोग चटपटा पनीर पकौड़ा खाएंगे। जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे झटपट में बनाइए, घर में पनीर तैयार करिए और पकौड़ा तैयार करिए, खा लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी बनता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप लोगों को मिले। इसी तरह से आप हमारा वीडियो देखते रहे, एंजॉय करते रहे, घर में बनाइए और खाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।